कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है बंसी। एक गांव में दो माँ बेटे रहते थे। वे बहुत गरीब थे। माँ सेठ साहूकार के यहाँ बर्तन चौका बीनना चुनना करती थी। माँ के साथ बेटा बंसी भी कभी कभी जाया करता था, किंतु वो सबकी आंख बचाकर कोई न कोई चीज चुरा लेता था, पर आकर माँ को बताता था। माँ देखकर खुश होती व उसे घर में ही रख लेती। जैसे जैसे बंसी बड़ा होने लगा, वो चोरी भी बड़ी करने लगा। एक बार बंसी ने नगर सेठ के घर में चोरी की। वो चोरी करके भाग ही रहा था कि चौकीदार ने उसे देख लिया और शोर मचाया। ये देखकर बंसी ने उस पर चाकू से वार किया। चाकू चौकीदार के कनपट्टी पर लगा और चौकीदार उसी समय मर गया। किंतु शोर सुनकर लोग चारों तरफ से इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने बंसी को पकड़ लिया। बंसी को पकड़कर राजा साहब के सामने लाया गया। राजा साहब ने बंसी को फांसी की सजा सुनाई। जब बंसी को फांसी दी जाने वाली थी तो उससे पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तब बंसी ने कहा, मेरी माँ को बुला दो। बंसी की माँ रोती गिड़गिड़ाती बंसी के पास आई। बंसी ने माँ के दोनों कान पकड़कर उखाड़ दिए और कहने लगा, माँ अब क्यों रोती हो? मैं पहले चोरी करके सामान लाता था, वो देखकर तो तू खूब खुश होती थी, अब क्या फायदा? मैंने पहले दिन चोरी की थी तब तू मुझे डांटती मारती या हिदायत देती कि बेटा चोरी करना बुरी बात है, जा जहां की चीज वहीं रख कर आ, अब आगे से कभी चोरी मत करना। चोरी करने वालों को भगवान पाप देते हैं, तुम्हें इतना बड़ा चोर व हत्यारा कभी न बनता। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग एक स्वर में कहने लगे कि बंसी बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि अगर बच्चे के छोटे गुनाह पर ही उसे सजा दी जाए तो बच्चा कभी आगे से गुनाह करने की हिम्मत नहीं करेगा। आज बंसी की मां के कारण बंसी को फांसी की सजा हो रही है। भाग्य का खेल। राजा चित्रदेव का राजमहल नर्मदा नदी के तट पर था। महल में अनेक नौकर चाकर थे, उन्हीं में गोविंद नाम का भी एक था। एक दिन सवेरे की बात है, राजकुमारी नंदिनी महल के बगीचे में फूल तोड़ने गई हुई थी। उसके साथ गोविंद भी था। नंदिनी के हाथों में चांदी की टोकरी थी। वो तरह तरह के फूल तोड़कर टोकरी में डालती जाती थी। जब टोकरी पूरी भर गई तो वो महल की ओर चल पड़ी। वापस जाते समय उन्हें एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला जटाजूटधारी बूढ़ा दिखाई दिया। वो महल के बाहर बैठा था। उसके चारों ओर कई लोग जमा थे। बूढ़ा उनसे बातें कर रहा था। गोविंद, वो बूढ़ा कौन है? नंदिनी ने पूछा। और वहां बैठा क्या कर रहा है? मैं अभी पता करके आता हूँ, गोविंद ने कहा। तब तक आप यहीं रुकी रहे, ऐसा कहकर गोविंद बूढ़े की तरफ चल दिया। वो कुछ ही मिनटों में लौट आया और राजकुमारी से बोला, बूढ़ा ज्योतिषी है, कहता है कि मैं किसी को ये बता सकता हूँ कि उसकी शादी किससे होगी। सच? राजकुमारी ने चकित होकर पूछा। कैसी अनोखी बात है, पर बताता कैसे है? वो घास के दो तिनके लेकर उन्हें आपस में बांध देता है, गोविंद ने समझाते हुए कहा, और फिर कहता है कि ये विवाह की ब्रह्मगांठ है। तुम फिर बूढ़े के पास जाओ, राजकुमारी ने कहा, और ये पूछकर आओ कि हमारी शादी किससे होगी। राजकुमारी, गोविंद ने कहा, ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इस तरह के ज्योतिषी लोगों को खुश करने के लिए झूठ मूठ की बातें करते फिरते हैं। ये उनका रोजी कमाने का धंधा है। ऐसे लोगों से बच के रहने में ही भलाई है। हमने तुम्हारी राय नहीं पूछी, राजकुमारी ने तुनक कर कहा। फौरन जाओ, जो हम कह रहे हैं पूछ कर आओ। अच्छी बात है राजकुमारी, गोविंद ने कहा, अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं जाकर पूछ आता हूँ। गोविंद एक बार फिर बूढ़े के पास गया। राजकुमारी वहीं पर खड़ी उसका इंतजार करती रही। मैं राजमहल से आया हूँ, गोविंद ने ज्योतिषी के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाकर कहा। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, ताकि हमारी बात कोई सुन न सके। बूढ़ा लोगों के बीच से उठकर गोविंद के साथ एक अलग कोने में चला गया। बोला, क्या पूछना चाहते हो? बूढ़े ने गोविंद से कहा।
राजकुमारी नंदिनी ये जानना चाहती हैं कि उनकी शादी किससे होगी। गोविंद ने कहा। बूढ़े ने घास के दो तिनके उठाए और उन्हें बांधकर एक गांठ बनाई। कुछ देर तक वो बड़े ही गौर से गांठ को देखता रहा, फिर गोविंद की ओर देख मुस्कुराने लगा। राजकुमारी नंदिनी की शादी तुमसे होगी, उसने कहा। मुझसे? गोविंद भौचक्का होकर बोला। मैं तो उनका नौकर हूँ, सिर्फ नौकर। तुम्हारी बात गलत है, बिल्कुल गलत। मेरी बात गलत हो ही नहीं सकती, बूढ़े ने कहा। तुम ही उसके होने वाले पति हो। गोविंद धीरे धीरे भारी कदमों से महल की ओर चल दिया। क्या हुआ? नंदिनी ने उसे आते देखते हुए पूछा। ज्योतिषी ने क्या कहा राजकुमारी? गोविंद ने गंभीर होकर कहा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे ज्योतिषी कभी सच नहीं बता सकते। इस ज्योतिषी ने ऐसी बुरी बात बताई है कि मैं आपसे कह ही नहीं सकता। ज्योतिषी ने चाहे जो कहा हो तुम्हें बताना होगा, राजकुमारी ने कहा। मैं बता ही नहीं सकता, गोविंद ने कहा। उसने इतनी बुरी बात कही है कि मैं उसे जबान पर भी नहीं ला सकता। ये मेरा हुक्म है, जो बूढ़े ने कहा है तुम्हें बताना होगा। अच्छी बात है, गोविंद ने जवाब दिया। अगर आपका हुक्म है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा, नंदिनी ने कहा। ज्योतिषी ने कहा है कि आपकी शादी मुझसे होगी, गोविंद ने कहा। क्या बदतमीजी है, नंदिनी उस पर बरस पड़ी। मुझसे ऐसी बातें कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से के मारे राजकुमारी अपना आपा भूल गई। उसने फूलों से भरी चांदी की टोकरी गोविंद के सर पर दे मारी और पैर पटकती महल को चली गई। चांदी की टोकरी गोविंद के माथे से टकराई, उसके माथे पर घाव हो गया और खून बहने लगा। राजकुमारी की इस हरकत पर उसे भी गुस्सा आ गया। आप राजकुमारी होंगी तो होंगी, तेजी से जाती हुई राजकुमारी की ओर देखकर उसने कहा, लेकिन आपको मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। नंदिनी के तोड़े हुए फूल घास पर चारों ओर बिखर गए थे और चांदी की टोकरी एक ओर लुढ़क गई थी। गोविंद ने नीचे झुककर टोकरी उठाई और फाटक से बाहर निकल गया। अब फिर कभी भी इसका मुंह नहीं देखूंगा, उसने घर की ओर जाते जाते मन ही मन सोचा। गोविंद ने तय कर लिया था कि अब राजकुमारी के महल में नौकरी करने की बजाय उसे कहीं दूर देश की यात्रा पर चले जाना चाहिए और वहीं कोई दूसरा काम खोजना चाहिए। दूसरे दिन सवेरे उसने अपना सामान संभाला और विदेश यात्रा पर रवाना हो गया। माथे पर लगी चोट के कारण उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। वो कई दिनों तक पैदल चलता रहा। चलते चलते एक बड़े नगर में जा पहुंचा। उस नगर के लोग कोई आनंद उत्सव जैसा मना रहे थे। सभी ने अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रखे थे और सभी बड़े खुश नजर आ रहे थे। यहाँ तो बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही है, गोविंद ने एक लड़के से कहा। ये सब किस खुशी में हो रहा है, तुम्हें पता नहीं, लड़के ने जवाब में कहा। आज हमारे नए राजा का चुनाव होगा, लड़के की बात सुनकर गोविंद ने इस बारे में सभी कुछ जानने की इच्छा प्रकट की। इस देश के राजा का अभी हाल में ही देहांत हुआ है, लड़के ने उसे बताया। मरने से पहले वे हुक्म दे गए हैं कि अगले राजा का चुनाव एक हाथी करे। आज वो हाथी नया राजा छांटने वाला है। यही वजह है कि इतने राजकुंवर और सरदार नगर में आए हैं। आओ हम भी चलें, खूब तमाशा रहेगा। तब गोविंद भी लड़के के साथ उस स्थान पर गया जहां राजा को छांटने वाले हाथी के इंतजार में ढेरों लोग जमा थे। उस स्थान पर लोगों की अथाह भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कई राजकुंवर और सरदार तैयार खड़े थे। उनमें से हर एक ये उम्मीद लगाए हुए था कि हाथी उसी भाग्यवान को छांटेगा। थोड़ी देर में बाजे गाजे और ढोल ताशों की आवाजों के साथ शाही हाथी ने प्रवेश किया। वो बड़े बड़े दांतों वाला शानदार हाथी था और इस खास मौके के लिए बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। हाथी की सूंड में एक सुंदर हार था। उसे वो हार अच्छी तरह देखभाल कर उस भाग्यवान को पहनाना था जो देश का भावी राजा बनने वाला है। हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने हर एक को गौर से देखा मगर किसी के भी गले से हार डाले बिना आगे बढ़ गया। उसने एक एक कर सभी राजकुमारों और सरदारों को देखा पर उनमें से किसी को भी राजा नहीं छाटा। अब वो राजकुमारों को छोड़कर उस ओर बढ़ा जिस ओर साधारण जनता खड़ी थी। हाथी असली राजा की खोज कर रहा था। किसी ने आवाज लगाई, जनता में सनसनी सी फैल गई। लोग जोर जोर से आवाजें लगाते
और हाथी को पुचकारते हुए अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगे। हर कोई हाथी के नजदीक जाना चाहता था, उसे थपथपाना चाहता था, मगर हाथी शांति से डग बढ़ाता हुआ चलता रहा। तभी अचानक गोविंद हाथी के सामने पड़ गया। हाथी रुका, थोड़ा नजदीक आया और गौर से गोविंद को देखने लगा। फिर उसने गोविंद के आगे झुककर उसके गले में हार पहना दिया। गोविंद के गले में हार पड़ते ही शंख ध्वनि होने लगी और ढोल नगाड़े बजने लगे। राज्य के मंत्रियों और राज्य कर्मचारियों ने गोविंद के आगे झुककर सम्मान प्रकट किया। गोविंद के आश्चर्य का ठिकाना न था। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सच्ची है। इसके बाद गोविंद को उसी हाथी पर बिठाया गया जिसने उसे देश का राजा चुना था। फिर एक शानदार जुलूस के साथ उसे महल की ओर ले जाया गया। वहां उसका विधिवत राज्य अभिषेक किया गया। गोविंद एक नेक राजा था। वो बहुत समझदार, बुद्धिमान और सज्जन था। उसकी प्रजा उसका सम्मान करती थी और उसे बहुत चाहती थी। बहुत जल्दी ही एक महान और अच्छे शासक के रूप में उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। गोविंद को राजा बने काफी दिन हो गए थे। अब उसके विवाह का समय भी आ गया था। राजा ने योग्य दुल्हन की खोज से अनेक स्थानों को दूत भेजे। नंदिनी के पिता चित्रदेव ने भी प्रसिद्ध राजा गोविंद के बारे में सुना। उन दिनों वो नंदिनी के लिए योग्य वर की तलाश में था। उसने सोचा कि अगर गोविंद के साथ नंदिनी का विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। उसने राजा गोविंद के पास विवाह का संदेश भेजा। गोविंद राजी हो गया। नंदिनी और गोविंद की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सभी ने वर और वधू के लिए मंगल कामना की। जब गोविंद नंदिनी को लेकर अपने राज्य में लौटा तो देश भर में खुशियां मनाई गई। लोग अपनी नई रानी को पाकर बहुत प्रसन्न थे। एक दिन नंदिनी ने गोविंद से पूछा, आपके माथे पर ये चोट का निशान कैसा है? इतना बड़ा घाव अवश्य ही किसी लड़ाई के मैदान में लगा होगा ये निशान। गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, विवाह का पवित्र चिन्ह है, मैं आपका मतलब समझी नहीं। नंदिनी ने कहा, साफ साफ बताइए ना। सीधी सी बात है, गोविंद ने कहा, ये निशान मेरे अच्छे भाग्य का चिन्ह है। इसने मुझे राजा बनाया और इसी ने मुझे तुम्हारा पति भी बनाया है। महाराज, नंदिनी ने कोतूहल से बेताब होकर कहा, पता नहीं आप क्या पहेली बुझा रहे हैं, सीधी तरह से बतलाइए ना, आपको ये चोट कहाँ लगी? अच्छी बात है, गोविंद ने कहा, तुम जरा देर यहाँ रुको, मैं अभी सारी बातें बताई देता हूँ। इतना कहकर गोविंद कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी ही देर में चांदी की टोकरी लेकर लौट आया। याद करो ये क्या है, गोविंद ने कहा। नंदिनी ने टोकरी को उड़ देखा। पहले तो वो कुछ उलझन में पड़ गई, फिर उसे एकाएक सब कुछ याद आ गया। वो उसी की टोकरी थी। ओह, उसने कहा, ये टोकरी तो मेरी ही है। उसने गोविंद की ओर गौर से देखा। गोविंद, वो चौंक कर बोली, अब मैं समझी आप वही गोविंद है। ये टोकरी मैंने आप पर फेंकी थी, क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्या पता कि ये चोट मेरी ही लगाई हुई है। उस दिन मैंने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया था, आप मुझे क्षमा कर देंगे ना? इसमें क्षमा की क्या बात है रानी, गोविंद ने जवाब दिया। टोकरी फेंकने के लिए तो मुझे ही तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद और मुझे क्यों, नंदिनी ने पूछा। क्योंकि अगर गुस्सा होकर तुम ये टोकरी मेरे सर पर न मारती तो मैं आज भी तुम्हारे महल में ही होता, गोविंद ने कहा। और महल में होता तो आज राजा न बनता, और अगर राजा न बनता तो तुमसे शादी कैसे करता। कैसी अनोखी बात है, नंदिनी ने कहा। आखिरकार उस बूढ़े ज्योतिषी की बात ठीक ही निकली। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।